जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशानुसार कोरोना बीमारी के महामारी के चलते दोबारा वापसी आ जाने के कारण प्रशासन द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है पूरे यूपी के लिए कि रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जनता अभी भी 8 बजे के बाद सड़कों पर घूम रही है। इसी कारणवश मजबूरन पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से हाथों में लाठी लेकर पब्लिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस जनता को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। और साथ ही लोग प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आप लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। साथ ही उन्होंने जगह जगह पर मास्क वितरण करने का एक सुझाव दिया और खुद भी पुलिस प्रशासन ने जनता को मास्क बांटे जिससे जनता को सुरक्षित रखा जा सके और कोरोना महामारी जैसी बीमारी से ग्रस्त होने से बचाया जा सके। लेकिन जनता इस स्थिति को लापरवाही से बरतते हुए सड़कों पर घूम रही है। पुलिस प्रशासन अपने निरंतर प्रयास के चलते हुए इसे स्थिति को संभालने की कोशिश में लगा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरठ के घंटाघर गेट के नीचे पुलिस प्रशासन की दो दो गाड़ियां खड़ी हैं जो पुलिस प्रशासन के खुद दरोगा जी और सिपाही हाथों में लाठी लेकर जनता को डराकर उनके घर भेजने की एक अच्छी अपील कर रहे हैं ताकि ये लोग इस दुखद बीमारी से ग्रसित ना हों और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। लेकिन जनता इस बात को लापरवाही से बरतते हुए प्रशासन का सहयोग नहीं कर रही है। इस कारण प्रशासन सख्ती दिखाते हुए लाठी डंडे के दबाव बनाकर जनता को नियंत्रण करने में लगी हुई है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।